तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग खेल रहे हैं हिटमैन 3। सो गाइज, आज हम कंटिन्यू करेंगे हिटमैन को। सो लास्ट जो हमारा मिशन था वो था दुबई में, एंड ये वाला देखते हैं पता नहीं कहाँ पर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये गेम। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का गेम प्ले विदाउट एनी डिले। थॉर्नब्रिज मैनर, तो स्टार्ट करते हैं। द कार्लाइल फैमिलीज होम, कहाँ पर है कार्लाइल फैमिलीज? The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Okay. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, okay, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Okay, बढ़िया यार। तो मतलब अभी इसमें क्या चल रहा है कि अंदर एक बुढ़िया है कार्ल नाम की, तो उसने आई थिंक झूठ बोला हुआ है कि वो मर चुकी है, मतलब बाहर वालों के लिए मर चुकी है, पर वो असल में जिंदा है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है। चलो चल के देखते हैं। फाइंड द केस फाइल फाइल और क्या करना है हमें? एलिमिनेट द एलेक्सा, इसको मारना है। ओके, ये कौन है? मिस्टर विटमर इज हियर टू सी मैडम कार्लाइल, यू कैन गो राइट इन। दैट इज फिनियस विटमर, द फेमस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर्ड बाय मैडम कार्लाइल दिस मॉर्निंग। आई एम क्यूरियस व्हाई ही इज हियर। मे बी यू शुड डू सम डिटेक्टिंग योरसेल्फ 47। ओके, डिटेक्टिव है ये, मैडम ने बुलाया इसको। अ फेमस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर समंड बाय एलेक्सा कार्लाइल has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, समझ गया मैं। इसकी हमें जगह लेनी है और अंदर जाना है एज अ इन्वेस्टिगेटर, पर हमें पहले इनको मारना पड़ेगा। चलो इनको मारता हूँ पहले, फिर इसकी जगह लेके अंदर जाएंगे। ये क्या, ये क्या? कभी कभी हमें पिस्टल से भी काम चलाना पड़ता है इस गेम में, तो स्टेल्थ से हमेशा नहीं मार सकते हैं बंदों को। तो इसके कपड़े पहन लेते हैं ताकि हम गार्ड बन जाएँ, और इसको कर देते हैं नंगा। चल भाई, हेलो मेरे बाइक, क्या हाल चाल तेरा दोस्त? तुम्हें ले ले इन उबड़ों को पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कौन। अबे मेरी शक्ल तो पहचान लेते भाई, ये नूबड़े बॉट हैं यार, नूबड़े बंदे हैं ये बिल्कुल ही। यार महल काफ़ी बड़ा है इसका ये, तो हमें इसकी जगह लेनी है और अंदर जाना है एज अ डिटेक्टिव। चलो भाई, कपड़े चोरी करने पड़ेंगे फिर से, इसको नंगा करना पड़ेगा। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट क्या करें। रुको पहले मैं एक सिक्का फेंकता हूँ, क्या जाएगा उठाने? अरे सारे के सारे दिख गए यार, देखने लगे सिक्का फेंकते ही। ओह कितना वो है लाल सिक्का उठा लिया, मुझे लगा मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा इसको, तो वो इसको मार दूंगा फिर। ओके, इसके पीछे जाना है। चलो इसको अभी इसको ठिकाने ही लगा लेता हूँ। ले चल भाई, अरे मुझे देखा नहीं ना यार किसी ने। चलो इसके कपड़े हो गए हमारे, अभी इसको ठिकाने लगानी पड़ेगी इसकी लाश। वो मेड भाई कह रही आ जाओ पीछे, और मैंने इसकी पीछे से ही गेम बजा दी। इसे बोलते हैं प्रो किलर। इसकी लाश हमें ठिकाने लगानी पड़ेगी। ओह उधर बंदे, चलो 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 चलो, इसको पहले कोने में कहीं ठिकाने लगा दे। इधर इधर छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर कोई देखेगा नहीं ना। नहीं यार देख लेंगे यार बंदे यहाँ पर, इसको कहीं और ठिकाने लगाना पड़ेगा। उधर जंगल में छुपा देता हूँ उसको, तो वहाँ पर गार्ड है, मुझे देखे ना गार्ड। चलो 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 चलो, कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ यार, काम करो यार, काम करते रहो अपना भाई, कुछ नहीं हुआ। इसको यहाँ ठिकाने लगा देते हैं, यहाँ पे कोई देखेगा तो नहीं। रुको थोड़ा और अंदर कर देता हूँ इसको मैं, हाँ यहाँ ठीक रहेगी लाश इसकी, यहाँ कोई नहीं देखेगा। अब मैं बन चुका हूँ डिटेक्टिव। ये बात, कितना बड़ा महल है यार इसका, पता नहीं ऐसा क्यों बोला इसने कि वो मर गई है, अपने ही फ्यूनरल में बुलाया है। मामला कुछ और है अंदर, चलो चलते हैं। देखे चल के अंदर क्या भसड़ चल रही है। हेलो, अंदर जाने दो मुझे। मेरी तलाशी लेगा ये? ओके, ले ले भाई तलाशी। सर, आई एम अफ्रेड दिस एरिया इज ऑफ लिमिट्स, प्लीज लीव। मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा ये, गन वन फेंक के जानी पड़ेगी मुझे। रुको गन वगैरह मैं फेंक देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं डिटेक्टिव हूँ ना, तो शायद ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। अबे ये क्या हो गया, फ्लैश बम फटाया यहाँ पर। ओके चलो अब जाने देगा मुझे आई थिंक।
चलो अभी अभी कुछ नहीं कर रहा है मुझे मार के तो नहीं। चलो चलते ओके यहाँ पर जाना है हमें। Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. Just keep calm. A great tragedy has fallen upon us, okay. And I need a quick resolution. ये तो जिंदा है बढ़िया। With absolute discretion. Results and discretion are my specialty. ये बात सही बोल रहा है एकदम। I suppose you will want to start at the crime scene. Okay. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half job done. सही बात है एकदम। Good. Fernsby will take over from here. Fernsby कौन है? I am Mr. Fernsby, the butler. Okay. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way okay, possible. Okay, इसके साथ जाना है मैं. चलो भाई. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. London से आया हूँ. Do you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Fernsby? मैं refreshment नीचे काम बता क्यों बुलाया मुझे? चल भाई, start investigation. चलो. I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. चल भाई, दिखा. चल. Follow करने को कह रहा है. चलो, let's go. काफी अमीर है यार ये. चल भाई, क्या पंगा हुआ ये बताओ मुझे पहले। I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. Okay. You may be familiar with the recent announcement of her death. अपनी मौत के अनाउंसमेंट करिए उसने ये प्रॉब्ली लर्न दैट शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस टुमारो। अच्छा, डिसाइड इन्होंने पहले से किया हुआ था। Their mother was in fact not dead at all. So please bear with them. पर इसने झूठ क्यों बोला कि वो मर गई है? ऐसी अनाउंसमेंट क्यों करी इसने जबकि बुढ़िया जिंदा है? ओके ओके, ये कह रहा है तुम्हें बताना नहीं है कि वो जिंदा है बुढ़िया। एलेक्सा जिंदा है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बोल रहा है। बिफोर यू इंस्पेक्ट द क्राइम सीन आई विल टेल यू दिस। ओके, द केस कंसर्न्स द डेथ ऑफ मिस्टर ज़ैकरी, मैडम कार्लाइल्स। अच्छा, मिस्टर ज़ैकरी मर गया है, कार्लाइल का भाई। उसका भाई मर चुका है एलेक्सा का। डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड सुसाइड लेटर छोड़ दिया था। ओके, हाउएवर मैडम कार्लाइल सस्पेक्ट्स फाउल प्ले। ओके ओके, विल नॉट एक्सेप्ट दैट ही टुक हिज ओन लाइफ। आई हैव प्रिपेयर्ड सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो मर्डर हुआ है इसके भाई का, तो इसलिए इसको हमें बुलाया गया यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमें नहीं, मतलब दूसरे इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था, उसको मार के हम उसकी जगह पे आ गए, क्योंकि हमारा मेन मिशन है इस बुढ़िया को मारना, एलेक्सा को। लेट्स गो। चल भाई, देखते हैं, एक्टिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर। A locked room murder mystery 47. Yes. I trust you'll get to the bottom of this. Of course, bottom तक जाएंगे एकदम, जमीन के अंदर तक केस की। Why don't you use your camera to scan the dead body 47? इसकी लाश स्कैन करनी है, ऑलराइट। कैमरा कहाँ से खुलता है? ये रहा। चल, स्कैन करो। स्कैन हो नहीं रहा यार, इधर से चलते हैं। स्कैनिंग एम करके, ये स्कैन हुआ, एक नंबर। थ्रोट मार्किंग्स इंडिकेट अ रेयर शॉर्ट लिव्ड प्लांट पॉइजन। गला दबा के मारा गया इसको। स्प्रेड शोज टाइम ऑफ गला दबा के, नहीं जहर वगैरह से मारा है। 10 बजे मारा ये। यार पॉइजन मुझे नहीं मिला, मैं नहीं मार पाता यार बंदों को पॉइजन से। चलो देखते हैं और क्या मिलता है इधर। चलो, हो गया काम यहाँ पर। Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? इसने बोला था टाइम पता करके आना है। 10 o'clock last night. तो 10 बजे मारा था वो। That means the staff were off duty. And Madam Carlyle and her security didn't arrive. Okay, staff off duty था और Carlyle's security didn't arrive. That leaves Madam's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone. Alibi kya hota hai? Was alone in my office at the time, of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Okay. Hopefully that will help you keep track of your suspects. Okay, suspects se hame poochtaach karni hai kya? Please come and see when you've solved the case. Okay. And I will take you to Madam Carlyle. Okay, okay. Case solve karke aana hai main iske paas. How's everything coming along, Helene? Ek baar ko dobara poochte hain kya bolta call. Make sure you phone Mr. Fernsby. Mr. Whitmore. इसको मैं मार सकता हूँ वैसे? No, not evidence, yet. अभी तो नहीं मिला evidence हमें। So how does one solve a murder mystery 47? Murder mystery solve करनी है। Motive, means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? कैसे पूछताछ करनी है हमें? Ask for alibi. Patrick is giving you a really hard time. Can you tell me where you were yesterday evening? It's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, yaar mujhe akela chhod do. Give us some privacy. Chal bhai, tujhe akela hi chhod dete hain.
चलो आगे चलते हैं, हमें अपना टारगेट मारना है और वो अंदर है, मैंने ढूंढ लिया इसको। चलो इसको अंदर जाके देखते हैं। I'm talking about that weasel Arthur Edwards. Can we get मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। अरे बाहर निकल, जल्दी मर जाएंगे। You are That's it. उसने देख लिया मुझे यार। ओ आ गया, आ रही बुढ़िया, आ रही है बाहर। इसका गेम बजाना है हमें और फाइल ढूंढनी है केस की। चल बाहर आ यार जल्दी, अब आएगी बाहर। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वो दो गार्ड है यार, इसके पहले इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर बुढ़िया को ठिकाना लगाना पड़ेगा। जा रही है ऊपर बुढ़िया, तेरी गेम बजा दूंगा मैं आज। मेरे पास है बॉल, वही फेंक के मारूंगा इसके सर पे। चल पूल बॉल किचन नाइफ, नाइफ ले लेते हैं क्योंकि गन तो मेरे पास है नहीं। तो पहले इसका गार्ड मारेंगे, उसके बाद इस बुढ़िया को ठिकाने लगा दूंगा मैं। चल चल बुढ़िया आज तेरी। अरे यार दूसरा भी गार्ड है यहाँ पर। कोई बात नहीं, क्यों नहीं आने, नहीं आने दे रहा ना मेरे को ऊपर। ठीक है अभी बताता हूँ तुझे मैं, तेरे आज गुर्दे छील दूंगा मैं। पहले तो छुरी फेंक के मारता हूँ उसके सर पे। रुक जा अभी, एक को जाने दो। ये गया ना गया, ये ले तेरी ऐसी तैसी, नहीं जाने देगा मुझे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, हिट मैन हूँ मैं समझा, तेरे चच्चा का लड़का नहीं हूँ। तो तू बोलेगा चले जा तो चले जाऊंगा। तेरे कपड़े भी चोरी कर लिए, नंगा कर दिया ना तेरे को, यही औकात है तेरी। मुझे बंदर देख लिया वैसे ऊपर। वो यहाँ पर एक बंदा है, इसको भी सूचना पड़ेगा। पर मैडम मैडम यार इधर उधर नाच रही, उसके पास जाना है मुझे। रुको पहले इसका गेम बजाऊ। ये ले, इसमें तो कुछ भी फेंक के मारो लग जाती है यार बंदे को। बेहोश हो गया ओ भाई साहब। चलो चलो अभी चलते हैं यार, मैडम को जल्दी से मारते हैं। बोरी अलेक्सा को मारना है हमें, इसको ठिकाने लगाना है बस जैसे तैसे। यार इसके गार्ड वगैरह ना हर जगह घूम रहे, तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है, कुछ टेप है ये। आई थिंक अब हम इसको ठिकाने लगा सकते हैं। अरे गेट बंद नहीं हुआ यार, चल इसको यही ठिकाने लगा दूंगा। आ जा, चल तेरी भैंस की आँख मरोड़ दी है मुंडी। अपना मिशन हो चुका है कंप्लीट। टिक्की में डाल रहे इसको। Time to get the file on Arthur Edwards. ये बात। बाय बाय आंटी, हमारा काम हो गया कंप्लीट, अब करना है फाइंड द केस फाइल। चलो भैया केस फाइल ढूंढनी है हमें, एक काम हो गया हमारा। वो नीचे नीचे दिखा रहा है डॉट डॉट से, हाँ इधर आना है हमें। चलो मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर क्या करूँ मैं? रुको अपना वो सेंस ऑन करना पड़ेगा मैं। ओ यहाँ पर कुछ है, एक्टिवेट बटन, ये क्या चीज़ है भाई? ओ कुछ तो खुला, इंटरैक्ट। तो भाई इनको ठिकाने लगा, इसको फेंक देता हूँ ऊपर से नीचे। ये तिल गमला ही फेंक के मारा, गोली चला रहा है बेटा, गमला तेरे से तेज लगेगा समझा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ये क्या है, पजल सी लग रही है कुछ, ऊपर कुछ आइकन से भी बने हुए हैं। ये तो नहीं खुलेगा ऐसे, रुको यार देखना पड़ेगा क्या क्या बना है। कैमरा किससे खुलता है मेरा? अरे यार ये नहीं, हाँ यहाँ पर कुछ बना हुआ है ऊपर, ये कुछ आइकन से बने इधर, घड़ी टेलीस्कोप और क्या बना है? अरे क्या हो रहा है ये, घड़ी टेलीस्कोप आग और बारह सिंगा, घड़ी टेलीस्कोप आग और वो। चलो आग तो मुझे यहाँ मिल गई, नंबर 7 है, अच्छा आग का नंबर 7 है यहाँ पर, ओके बढ़िया है। चलो सेकंड ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं पर है घर में। अब यहाँ से मुझे टेलीस्कोप किधर मिलेगा देखते हैं। चलो टेलीस्कोप भी हमें मिल गया, नंबर कहाँ है बट, ओह हो रहा ये रहा 9 7 9, ओके आग का है 7, टेलीस्कोप का है 9 और बाकी दो नंबर तो मैं ढूंढ चुका हूँ। तो 1 और
1975 है नंबर, तो मैं इसको लगा देता हूँ। चलो हमें मिल गया है यहाँ से फाइल, अब हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ पड़ी है आई थिंक पीछे। मिशन कंप्लीट। यहाँ पर क्या है? हो गया ना, यहाँ से निकल नहीं सकती। क्या और की क्या आवाज़ आ रही है क्या? अभी भी क्यों दिखा रहा है? इधर और कुछ भी है क्या? कुछ तो है यहाँ पर, उठा लेते हैं। चलो हो गया काम, अब हमें निकलना है यहाँ से। मिशन कंप्लीट। हिटमैन निकल चुका है अपना मिशन करके, बुढ़िया को मार गया और इनको पता भी नहीं चला। इसे बोलते हैं प्रो किलर। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस गेम प्ले। तो गाइस कैसा लगा आपको ये गेम प्ले, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नए हो तो सब्सक्राइब करना यार इस चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसी गेम प्ले डालते रहते हैं, हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine! Shit! Yeah, from the BART train to a tour bus, still the same.